सभी को नमस्कार। मेरा नाम यशवंत सिंह कटरे है। मैं रायपुर जोन के महासमुंद टेरिटरी में 2 साल से UPL लिमिटेड में कार्यरत हूं। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से धान की फसल होती है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की फसल में मुख्य रूप से खाद व पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाद व पानी की ज़रूरत को 25 से 30% पूरा करने के लिए UPL कंपनी UPL का जेबा लाया है। वह पहली बार धान के फसल में किसानों ने 200 एकड़ में UPL का जेबा प्रयोग किया है, जिसके पीछे सभी का सहयोग रहा है, जिसमें धान की फसल में किसानों ने हमारा UPL का जेबा प्रयोग किया है। हमारे विक्रेता बंधु और हमारी UPL जेबा टीम का मुख्य रूप से सहयोग रहा है, जिसमें जेबा महोत्सव चलाकर किसानों को जेबा से परिचय कराया व जार के माध्यम से जेबा का डेमो दिखाया गया। अतः धान की पैदावार वो ज़्यादा, जेबा दे 19 से ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम ललित कुमार शुक्ला है और मैं UPL कंपनी में एज ए टेरेटरी मैनेजर बेमेतरा टेरेटरी रायपुर जोन में पिछले 6 महीनों से कार्यरत हूँ। UPL कंपनी का एक उत्पाद है जेबा, जिसके बारे में आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जेबा जब शुरुआत में मैंने कंपनी ज्वाइन की, तब सर के द्वारा जार डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से इसको मैंने समझा, इसके फायदे जाने मैंने, और उसके बाद आगे चलकर हम किसानों के बीच गए और किसानों के बीच जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव जार डेमोस्ट्रेशन करके किसानों को दिखाया और लाइव जार डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को उसके फायदे बताए, फायदे समझाए, और जिसके बाद किसानों ने भी इन फायदों को समझा और कुछ किसानों ने इसका उपयोग भी किया। और आगे चलकर हमारे टेरिटरी में शुगर केन क्रॉप है, जिसमें हमने 10 टन जेबा लिक्विडेशन का प्लान रखा है, तो मुझे भी उम्मीद है कि जेबा ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों तक पहुंचाएंगे और उसके फायदे हम किसानों को दिलाएंगे। तो जेबा दे 19 से ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं UPL लिमिटेड में एज ए टेरेटरी मैनेजर टेरेटरी रायगढ़ जोन रायपुर में पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जेबा से जुड़ी कुछ पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने जेबा के बारे में पहली बार जाना, इसके फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स के बारे में पहली बार जाना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह प्रोडक्ट किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। उनके उत्पादन और उत्पादन के गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। जब हम इस प्रोडक्ट को लेकर किसानों के बीच गए, तो इसके एडॉप्शन को लेकर कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्य एडॉप्शन बैरियर ये था कि किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का होना, साथ ही जेबा का प्राइसिंग भी एक प्रकार से एडॉप्शन बैरियर के रूप में काम कर रहा था। तब हमने हर मीटिंग्स में और ग्रुप मीटिंग्स में जेबा का लाइव जार डेमोंस्ट्रेशन करने का प्लान बनाया और इस लाइव जार डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से हमने किसानों को ये बताने की कोशिश की कि जेबा कैसे उर्वरक के नुकसान को रोकता है, सही समय पर पौधे को पानी उपलब्ध कराता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता है, जिससे कि एरेशन अच्छा होने से पौधे की जड़ एवं ट्यूबर क्रॉप्स में ट्यूबर में काफ़ी हद तक वृद्धि होती है। यह बातें किसानों को उपयोगी लगी एवं मुख्यतः आलू उत्पादक किसानों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। साथ ही धान, मूंगफली एवं सब्जी के किसानों ने भी इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया और उत्पादन में कम से कम 20 से 25% की वृद्धि पाई और उत्पादन के गुणवत्ता में भी वृद्धि हुआ है। जेबा दे 19 से ज़्यादा।